तो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज भी मेरे पास ऑल ओवर इंडियन कॉमेडी का रिकॉर्डिंग, काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य चौधरी के बारे में। दो दिन पहले लक्ष्य चौधरी के व्लॉगिंग चैनल पे एक वीडियो आता है जिसके अंदर वो पखर गुप्ता से मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा पास में पखर गुप्ता और संदीप महेश्वरी सर के बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। इसके रिकॉर्डिंग लक्ष्य चौधरी पखर गुप्ता के साथ मिलकर संदीप महेश्वरी सर ऑल्सो मनोज दे का मजाक उड़ाते हैं। गाइस आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी सर के सेक्शन के अंदर मनोज दे गए थे और गाइस उसके अंदर मनोज दे ने बोला था वो अब एक घर बना रहे जिसका टोटल एरिया है 5 एकड़ का। तो गाइस इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए देखिए लक्ष्य चौधरी ने क्या बोला था। मोटिवेशन सही आ गई ना लाइफ में, सब आसान है दरबार में तुम बाबा के। आसान है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो भाई फोटो खिंचाते हैं, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है। करूंगा। और फिर उसका तू नाम रखियो 69 वाली बात हो रही है। क्यों, अरे आपने 5 एकड़ में घर बनाया और ऑडियंस ताली बजाएगी, उसको भी बुलाएंगे। भाई ऑडियंस लेगा, बहुत मोटिवेटिंग है, यू नो 5 रुपए। बाकी गाइस आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले न्यूज के रिकॉर्डिंग एंड मैं बात करने वाला हूँ पीजे एक्सप्लेन के बारे में। तो गाइस इनको ना अभी थोड़ा सा हेट मिल रहा है क्योंकि गाइस उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कोरियन एक्टर मा डोंग सियोकाई के अगेंस्ट में कुछ बोला था। तो गाइस बेसिकली उन्होंने बोला था आफ्टर वॉचिंग फ्यू मूवीज ऑफ मा डोंग सियोकाई रियलाइज दिस हैज सलमान खान गॉन राइट। तो गाइस बेसिकली उन्होंने कोरियन एक्टर मा डोंग सियोक को सलमान खान से कंपेयर किया और गाइस इसके बाद सलमान खान के जो फैंस है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए पीजे एक्सप्लेन के ऊपर। और गाइस इसके बाद किसी ने लिखा तुम्हारा मतलब क्या है, अपना भाई रॉन्ग है, कैंसिल पीजे। और गाइस इसके बाद किसी ने लिखा हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट मेगास्टार सलमान भाई लाइक दैट, सलमान खान का नाम ले लो मतलब अटेंशन के लिए, नाइस टेक्निक। बाकी गाइस हो सकते हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे थे लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। एक्चुअली अभी बात करते हैं अगले न्यूज़ के रिकॉर्डिंग एंड मैं बात करने वाला हूं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो गाइस उनका एक क्रेजी सब्सक्राइबर उनसे मिलने आया था। तो गाइस मैं उस सब्सक्राइबर को क्रेजी किसके लिए बोल रहा हूं पता है, क्योंकि गाइस वो लड़का 800 किलोमीटर पैदल चल के मिस्टर इंडियन हैकर के पास मिलने आया था। तो उस वीडियो का कुछ क्लिप अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ऑल्सो गाइस फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग उधर से जाकर देख लेना कि आप इतने दूर से पैदल आए। पैदल आपको नहीं आना चाहिए था, आप बस में आ जाते, किसी तरीके से आ जाते। अब भाई यहाँ तक आए, भाई आपके कितने रुपए बचे हैं अभी तक? बस अभी 101 रुपए बचे हैं, अभी बस 101 रुपए बचे हैं, अभी इनके पास वापस जाने के लिए भी नहीं है। बताओ तो ऐसी सिचुएशन ना हो आपके साथ, तो चलो भाई को तो मैं किराया वगैरह दे के सही सलामत घर तक भेज दूंगा, बाकी आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले न्यूज के रिकॉर्डिंग एंड मैं बात करने वाला हूँ बादशाह के बारे में। क्या गाइस बादशाह ने हनी सिंह को ट्रोल किया है? क्योंकि गाइस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा देयर हैज अ डिफरेंट बिटवीन हसलिंग एंड स्ट्रगलिंग, फॉर एग्जांपल आई एम स्टिल हसलिंग, योर फेवरेट रैपर हैज स्टिल स्ट्रगलिंग। बाकी गाइस इसके बाद बहुत सारे लोग बोलने लगे किसी के स्ट्रगलिंग टाइम पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बाकी आप भी ऐसे स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंचे। तो इसके ऊपर बादशाह ने रिप्लाई करते हुए लिखा नेवर स्ट्रगल, ऑलवेज एंजॉय द जर्नी, द अप एंड डाउन, स्ट्रगल हैज विंड यू डोंट एंजॉय, स्ट्रगल हैज You don't can't what to do. Struggle has to not be beast in the game. But I am sorry. बाकी गाइस आप लोगों को लगता है उन्होंने क्या इनडायरेक्टली हनी सिंह के बारे में बात किया था? तो अपना ओपिनियन गाइस कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले न्यूज के रिकॉर्डिंग एंड मैं बात करने वाला हाइपा दाऊद के बारे में। तो गाइस बेसिकली वो एक मोटो ब्लॉगर है और उनका रिसेंटली कार के साथ एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइस वो रस्ते के एक साइड में खड़े थे और पीछे से एक गाड़ी आके उनको हिट करता है। तो गाइस उस गाड़ी का सामने वाला एक टायर फट गया था जिसके वजह से वो पूरा अनकंट्रोल हो चुका था और वो गाड़ी पीछे से आके उनको पूरा हिट करता है। तो गाइस आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। लिया हुआ है देख रहे हो? अरे तो कुछ हो रहा, डॉक्टर देखो लगी हो रहा है, लगी हुई है यार, इसको इधर लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है, देखना। अरे भाई 100 से ऊपर चल रहा है यार, 120-130 में जा रहा है। गाइस ये देख लो, गाइस ये बंदे ने क्रैश किए, देख लो हालत टूट जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं वो अभी ठीक है लेकिन उनके पैरों पे थोड़ा सा लगा है, आई थिंक गाइस वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में और मैं बात करने वाला हूं गेमर फिलिट के बारे में। तो गाइस गेमर फिलिट का रियल हिट के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू आया है जिसके अंदर वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात की है, जैसे कि उनका स्कूल लाइफ कैसा था, उनको यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला, इवन गाइस बहुत सारे चीजों के बारे में उन्होंने बात किया था। तो गाइस बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। तो अभी गाइस चलिए मैं बात करने वाला हूं आरआरआर मूवी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसएस राजामौली, इसकी वजह से उनको बेस्ट डायरेक्टर न्यूयॉर्क फिल्म में क्रिटिक्स केयर अवार्ड 2022 मिल चुका है। तो गाइस इसके रिकॉर्डिंग जो इस मूवी के मेन हीरोज थे मतलब जूनियर एनटीआर और रामचरण ने एसएस राजामौली सर को कांग्रेचुलेशन बोला है। तो गाइस इसके रिकॉर्डिंग आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बाकी गाइस माय मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन ऑफ एसएस राजामौली सर। ऑल्सो गाइस आज के लिए अपडेट इतना ही था।